अपने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, देखो भारत का अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र को आपने ओरिजिन के आधार पे यानी उद्गम के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा था पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र और एक था हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को आपने फिर आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला भाग था इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा था गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इसमें अपने पहला तो पढ़ चुके हैं इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा जो भाग था गंगा रिवर, इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे कल, इसके बारे में थोड़ी सी बातों की चर्चा की थी। एक तो इस नदी के द्वारा पांच प्रयागों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो पांच प्रयाग की बात करें तो कौन कौन से प्रयाग हैं कोई बताएगा? हाँ ठीक है, आप याद है, ठीक है, पहला जो प्रयाग है कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। किस नदियों के माध्यम से बनता है ये? तो एक तो है अलकनंदा और दूसरी नदी कौन सी है? धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा, ठीक है। दूसरी जो प्रयाग है वो कौन सा है? नंद प्रयाग। ये एक तो अलकनंदा नदी है, दूसरी कौन सी है? नंदाकिनी। तीसरे की बात करें तो कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। हाँ अलकनंदा और कौन सी है इसमें कर्ण प्रयाग में? पिंडार नदी। और इसके बाद में है रुद्रप्रयाग, यहां पर है अलकनंदा और मंदाकिनी। इसके बाद है देवप्रयाग, यहां पे है अलकनंदा और भागीरथी। ये पांच प्रयागों का निर्माण इस नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, विष्णु नंद कर्ण रुद्र और देवप्रयाग, ठीक है, यानी गंगा नदी का जो गंगा नाम है वो देवप्रयाग के बाद में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र माना जाता है वो यही माना जाता है। भारत में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो मानी जाती है वो यही मानी जाती है। ध्यान रखना, यदि इस भारत शब्दावली का यूज न करे और आपसे क्वेश्चन पूछ लें भी सबसे लंबी नदी कौन सी है और ऑप्शन दे रखा हो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ध्यान रखना फिर वहां पर गंगा ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सिंधु की जो लंबाई है वो कितनी बताई थी मैंने आपको? 2880। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, बट इंडिया के अंदर जो लंबाई है वो सिंधु की कम है और ब्रह्मपुत्र की भी कम है। गंगा की जो लंबाई है वो इंडिया में सर्वाधिक है, क्योंकि इंडिया से इसका उद्गम होता है और आगे ये बे ऑफ बंगाल में यानी पश्चिमी बंगाल से होते हुए निकल जाती है। तो ये 2525 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है वो इंडिया के अंदर ही पाई जाती है। और बात की थी कल लास्ट में एक इसके पॉल्यूशन को लेके, प्रदूषण को लेके,
ये नदी जो है दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए यहां पर एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, हाँ, नमामि गंगा कार्यक्रम। जून 2014 में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, नमामि गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, नमामि गंगा कार्यक्रम जो है वो जून 2014 में चलाया गया था। आपके नोट्सों में लास्ट में लिखा हुआ है ये नमामि गंगा कार्यक्रम, ये चला था जून 2014 में। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे और इसके आठ आधार या स्तंभ थे। ठीक है, इसके दो उद्देश्य हैं और आठ इसके आधार स्तंभ हैं, इसकी चर्चा करेंगे लास्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ज्योग्राफी का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था भी नमामि गंगा कार्यक्रम कब संचालित किया गया था, तो जून 2014 के अंदर। आपके नोट्स जो है इसमें लास्ट में लिखा गया है। और यदि बात करें तो इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे थे, ट्रिब्यूटरी जो रिवर हैं, सहायक नदियां, तो इसमें सबसे पहले आपने जो इसके बाएं किनारे यानी लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपने पढ़ी थी कौन सी नदी थी, घाघरा। इसके बाद में रामगंगा, इसके बाद गोमती, इसके बाद घाघरा, इसके बाद गंडक, इसके बाद कोसी और इसके बाद महानंदा। ठीक है, आज अपने को इन नदियों के बारे में पढ़ना है भी इनकी उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है और कहाँ पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है, कौन कौन से स्टेट में बहती है। ये तो थी बाएं किनारे से यानी लेफ्ट साइड से। दाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में आपने देखा था, दाएं किनारे से राइट साइड से कौन कौन सी हैं, तो यमुना। और यदि बात करें सोन, कौंस और कौन सी थी, पुनपुन, दामोदर, ये नदियां मुख्यतः आपने देखी थी दाएं किनारे से। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखो यहां से अपना एक क्वेश्चन बनता है, ये जो नदियां आप देख रहे हो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इनमें से एकमात्र ऐसी नदी है इसकी सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, कौन सी नदी है, गोमती। तो ये जो गोमती रिवर है ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, यानी इसका ओरिजिन जो है वो कहां से होता है, मैदानी क्षेत्र से होता है। बाकी जो नदियां हैं इन सभी का उद्गम हिमालयी जो क्षेत्र है वहां से होता है। ठीक है, हिमालयी जो क्षेत्र है यानी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र से होता है। मैदान से निकलने वाली बाएं किनारे में मिलने वाली एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है, गोमती। अगर बात करें दाएं किनारे से, तो दाएं किनारे से एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम पर्वतीय क्षेत्र से होता है, पहाड़ी क्षेत्र से होता है यानी हिमालय क्षेत्र से होता है, तो एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम जो है वो हिमालयी क्षेत्र से होता है तो कौन सी नदी है, यमुना। यानी इसके राइट साइड में मिलने वाली एक ऐसी ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना, जिसका ओरिजिन कहां से होता है, हिमालय क्षेत्र से होता है। बाकी जो ये नदियां हैं ये आप पढ़ोगे प्रायद्वीपीय पठार से, कहां से पढ़ोगे, प्रायद्वीपीय पठार से पढ़ोगे। ठीक है, बात समझ में आई, उतार लिए इसको, उतार लो जल्दी से इसको थोड़ा सा।
हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, इसमें एक नदी और लिख लेना यहां पे, बागमती, बागमती नदी। ठीक है, कोसी और गंडक के बीच में बागमती। अब पहली नदी लिखो रामगंगा, रामगंगा नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो होता है नैनीताल, यानी ओरिजिन इसका कहां से होता है? नैनीताल उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो नदी है ये मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसका जो फ्लो है वो कहां पे है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आगे ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कन्नौज, वहां पर जाके गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलन, गंगा में मिलन। ठीक है, और यदि बात करें तो ये जो रामगंगा नदी है ये गंगा में पश्चिम साइड में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। यानी बाएं तट से देखोगे तो बाएं तट पर, लेफ्ट साइड में पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी दिशा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी, सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी सहायक नदी। ठीक है, और यदि बात करें इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं तो मुरादाबाद, बरेली जो सिटी इसके किनारे बसे हुए हैं, बदायूं, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं किसको? मुरादाबाद को। ठीक है, इसको दूसरी नदी लिखो कौन सी इसके बाद में? गोमती, इस नदी का जो उद्गम है ओरिजिन जो है वो होता है पीलीभीत,
जिला कहां पे है? यूपी के अंदर, ठीक है, यूपी में। यहां पर एक झील है, पुलहर झील, पुलहर लेक, यहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इस नदी के किनारे जो शहर बसे हैं, जौनपुर, लखनऊ, ये शहर इस गोमती नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है। और यदि बात करें तो जौनपुर को सिराज ए हिंद की संज्ञा दी जाती है, सिराज ए हिंद, जौनपुर सिटी को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। और इसका जो गंगा में मिलन है वो सैदपुर नामक स्थान है, सैदपुर गाजीपुर जिले में है, ये गाजीपुर जिला है, सैदपुर स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां पर जाके ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यमुना की एक ऐसी सहायक नदी जो बाएं तरफ से मिलती है, जिसका उद्गम हिमालय पर्वत से नहीं होता, मैदान से होता है, तो कौन सी नदी है? गोमती। तो लिख देना अभी इसका जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्र से होता है, केवल उत्तर प्रदेश जिले में बहती है। इसका जो फ्लो है वो कहां पे है? उत्तर प्रदेश। हो गया, रामगंगा गोमती आगे, घाघरा नदी। ये जो घाघरा नदी है ये निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहां पर है मानसरोवर झील और इसके पास में एक ग्लेशियर है मोपांग, मोपांग चुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से इस नदी का ओरिजिन होता है, मोपांग चुंग ग्लेशियर, ठीक है। कहां से होता है ओरिजिन इसका? मोपांग चुंग ग्लेशियर। अब ये घाघरा जो नदी है ये नेपाल के बाद में यूपी में आती है, यूपी के बाद ये बिहार में आती है, और बिहार के अंदर एक स्थान है छपरा बिहार में पड़ता है, और इस छपरा नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिला, ठीक है। घाघरा नदी उतार लिया किसको? ये मोपांग नहीं, माप चाचुंग अभी, ये माप चाचुंग है, तिब्बती लैंग्वेज है माप चाचुंग, ठीक है। मोपांग नहीं, माप चा
चुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर लेक है, कैलाश रेंज है, ठीक है, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई आगे ये जो नदी है वो छपरा नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। ठीक, अब सुनो, आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये देश कौन सा है यहां पे? नेपाल। ठीक है, आपकी याद हो तो मैंने नेपाल की जो बाउंड्री है वो नदियों के माध्यम से बताई थी और एक विवाद बताया था नेपाल के साथ में, काला पानी लिपुल एक विवाद बताया था। अब ये जो नदी है ना घाघरा, वो यहां से निकलती है, यहां से निकलने के बाद में नेपाल से होते हुए बिहार से होते हुए इस तरह से चली जाती है गंगा में। ठीक, अब यहां उत्तराखंड का जो कुमायूं स्थान है या कुमायूं हिमालय आपने जो नाम दिया था, यहां से एक नदी और निकलती है, एक नदी तो यहां से निकलती है और इस तरह से बाउंड्री बनाती है, ये बाउंड्री बना के और आगे इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, क्या नाम बताया था मैंने? काली नदी। ठीक है, और इस काली नदी को ही क्या बोलते हैं? शारदा नदी बोलते, क्या बोलते हैं? शारदा नदी। ठीक है, ये उत्तराखंड से बहती हुई नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है काली नदी, आगे ये उत्तर प्रदेश में जाके किस में मिल जाती है? इस घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, एक इस कुमायूं हिमालय से यहां से एक नदी निकल के आती है जो कि इस तरह से बहती हुई आगे उत्तर प्रदेश में जाके इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है सरयू, क्या नाम है? सरयू नदी। अब जब ये सरयू जो नदी है ये घाघरा में जब मिलती है तो इस घाघरा नदी का नाम हो जाता है सरयू। यहां पे इस नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? सरयू नाम से। किस नाम से? सरयू नाम से। और यहां पर इस सरयू नदी के किनारे पे एक शहर बसा हुआ है, अयोध्या। कौन सा शहर है? अयोध्या, ये ध्यान में रखना। पूछा गया है अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे पे बसा है, तो इस सरयू नदी के किनारे पे बसा है। आप देखो ये जो मैंने आपको विवाद जो बताया था ये वही क्षेत्र है, ये इस शारदा या काली नदी वाला जो क्षेत्र है और यहाँ पे है एक लिम्पादरा, इसके बीच का ये क्षेत्र, ये कहलाता है काला पानी। क्या कहलाता है? काला पानी। और यहां पर है एक पास लिपू लेक। कौन सा पास है? लिपू लेक। यानी भारत के द्वारा इस लिपू लेक पास तक लगभग 80 किलोमीटर ये एक रोड का निर्माण किया गया था पीछे, तो नेपाल ने इसका विवाद किया था भी ये हमारा एरिया है, यानी लिम्पादरा जो नदी है और काली नदी है नेपाल की और ब्रिटिश भारत की एक संधि हुई थी, सिंगोली की संधि। सिंगोली संधि के तहत इस नेपाल की जो बाउंड्री है वो डिसाइड की गई थी। अब ये जो बाउंड्री है ये काली नदी या शारदा नदी जो है इसके द्वारा उस टाइम ये डिसाइड की गई थी। अब ये लिम्पादरा है, ये इसकी सहायक नदी है काली की। नेपाल तो कहता है भी हमारी बाउंड्री इस लिम्पादरा तक है, भारत कहता है आपकी बाउंड्री यहां ये जो काली नदी है यहां तक है। ठीक है, यानी बीच का जो क्षेत्र है जो काला पानी कहलाता है और ये इस काला पानी को लेके विवाद है किसके साथ में? नेपाल के साथ में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काला पानी लिपू लेक विवाद, काला पानी लिपू लेक विवाद पहले भी चर्चा की थी अपने, नेपाल और भारत।
अब इस नदी पर जो काली नदी है या शारदा नदी है, इस काली नदी पर एक प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, टनकपुर प्रोजेक्ट जो है वो यहीं पे है, उत्तराखंड में है ये, और उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये, उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है टनकपुर परियोजना। टनकपुर प्रोजेक्ट जो है किसका संयुक्त है? उत्तराखंड और नेपाल का। कौन सी नदी पे है? तो काली नदी पे है। कौन सी नदी पे है? काली नदी पे है। ध्यान रखना, ये शारदा या काली किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। और इसकी दूसरी सहायक नदी कौन सी है? सरयू है। ठीक है, अब इसका सिक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो यदि पश्चिम से चलते हैं तो सबसे पहले सरयू आती है, उसके बाद में काली या शारदा नदी आती है, इसके बाद में घाघरा आती है। ठीक है, और घाघरा को ही फिर क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। तो ये थोड़ा सा सिक्वेंस ध्यान में रखना। ये बात समझ में आ गई क्या? कर दोगे? उतार लो। और लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, घाघरा जो नदी है इसको नेपाल में कर्णाली के नाम से बोलते हैं, कर्णाली नदी कहते हैं नेपाल के अंदर। ठीक है, घाघरा। क्या हो गया? उतार लिए इतना है? कर लिए क्या? इसी में दूसरी नदी बना रहा हूं, देख लेना। नेपाल से एक नदी और निकलती है क्या? नेपाल से एक नदी निकलती है, यानी नेपाल हिमालय से, और ये नदी इस तरह से बहती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हुई आगे चल के पटना के समीप ये पटना क्षेत्र है, पटना के समीप ये गंगा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक नदी। यानी नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल से इसका ओरिजिन है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री बनाते हुए आगे ये पटना के पास में जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब इस गंडक नदी की बात करें तो थोड़ा सा और देखना, यहां से नेपाल से दो धाराएं आती हैं, एक धारा तो इस घाघरा में मिल जाती है और एक धारा इस गंडक में मिल जाती है। ठीक है, और ये जो धाराएं हैं इन्हें कहा जाता है राप्ती। क्या कहते हैं? राप्ती। अब इस राप्ती का जो पश्चिमी पूर्वी भाग जो है ये, तो ये कहलाता है पूर्वी राप्ती,
ईस्टर्न नॉर्थी, और ये जो भाग है जो घाघरा मिलती है ये कहलाता है पश्चिमी राप्ती। तो यानी पश्चिमी राप्ती किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। पूर्वी राप्ती किसकी सहायक नदी है? गंडक की। ठीक है, तो ध्यान में रखना पश्चिमी राप्ती तो है घाघरा की सहायक नदी, और पूर्वी राप्ती यहां लिख रहा हूं ईस्टर्न राप्ती जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? तो गंडक की है। दोबारा बता देता हूं, ये गंडक नदी है, ये नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा मनाती है, ये मनाती हुई आगे पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। अब इस घाघरा और इस गंडक के बीच में एक धारा और आती है राप्ती नाम से। ठीक है, अब इस राप्ती आगे ये दो धाराओं बन जाती है नेपाल के अंदर ही, इसका जो पूर्वी भाग है वो तो गंडक में मिल जाता है और इसका पश्चिमी जो भाग है वो घाघरा में मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस गंडक नदी पर बिहार के अंदर एक नहर का निर्माण किया गया है, यानी बिहार में सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण किया गया, इस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। क्या नाम है? त्रिवेणी नहर। तो ध्यान रखना ये बिहार में बनाई गई है, इस गंडक नदी से निकाली गई है त्रिवेणी नहर। ठीक है, और इस गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, गंडक नदी को नारायणी क्या कहते हैं? नारायणी नदी। नारायणी नदी एक लिख देना गंडक परियोजना। अगर गंडक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है ये। गंडक प्रोजेक्ट पूछा जाए तो लिख देना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। हो गया कंप्लीट ये? बागमती नदी। ये नदी भी नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलने के बाद में बिहार में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये बागमती नदी है, ये नेपाल में, मैंने आपको मध्य हिमालय की एक श्रेणी बताई थी, कौन सी श्रेणी बताई थी? मध्य हिमालय को अलग अलग श्रेणियों के रूप में पढ़ा था आपने, अलग अलग रेंज के रूप में पढ़ा था, पीर पंजाल, धौलाधर। हाँ, तो ये महाभारत श्रेणी से बहते हुए काठमांडू घाटी का जो निर्माण करती है वो यही नदी करती है। महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? नेपाल में है, जो कि मध्य हिमालय का भाग है, और इस श्रेणी के अंदर मैंने आपको वैली लिखवाई थी, काठमांडू वैली। और काठमांडू वैली का जो निर्माण किया जाता है वो कौन सी नदी के माध्यम से? बागमती नदी के माध्यम से। बात समझ में आई है? नेपाल और बिहार में बहती है, बिहार के अंदर ये गंगा में मिल जाती है, बागमती नदी काठमांडू घाटी का निर्माण करती है।
उतार लिया क्या? आगे लिखो कोसी नदी। कोसी नदी ये देखो, ये गोसाईनाथ गोसाईनाथ नेपाल के अंदर ही, नेपाल में। यहां से अलग अलग धाराओं के रूप में आती है, यानी सात धाराओं के रूप में आती है, तो इसे बोलते हैं सप्तकोसी। क्या कहते हैं? सप्तकोसी। जब ये महाभारत रेंज को क्रॉस करती है, महाभारत श्रेणी को, तो ये सातों धाराएं मिलकर मुख्यतः तीन धाराओं का निर्माण करती है। कौन कौन सी? इसमें से ये जो पहली धारा है इसका नाम है सनकोसी। क्या नाम है? सनकोसी। ये जो दूसरी आप धारा देख रहे हो इसका नाम है अरुणकोसी। अरुणकोसी। और ये जो तीसरी आप धारा देख रहे हो इसका नाम है तामूर कोसी। तामूर कोसी। ये तीनों मुख्य धाराएं मिलके और आगे चलकर इस कोसी नदी का निर्माण किया जाता है। कोसी। ये कहानी है नेपाल की। आगे ये नदी जो है ये बिहार में चली जाती है। कहां पे चली जाती है? बिहार में। दोबारा बताता हूं, गोसाईनाथ नेपाल में पड़ा था आपने, ठीक है। यहां से सात धाराएं निकलती हैं जिन्हें बोलते हैं सप्तकोसी। और ये सातों धाराएं मिलके जब महाभारत रेंज को क्रॉस करती हैं तो ये सातों धाराएं जो है वो तीन मुख्य धाराओं में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन सी? सनकोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी। ये तीनों जो कोसी की धाराएं हैं ये तीनों मिलके कोसी नदी का निर्माण करती हैं। अब ये जब ये नदी आगे बहती है तो इंडिया में प्रवेश करती है, बिहार जो जिला है वहां जाती है ये, ठीक है। और बिहार के अंदर पटना जो है, पटना में जाके ये नदी जो है किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। पटना बिहार की राजधानी है, वहां पर जाके किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। अब देखो इस कोसी नदी को बिहार का सोरो कहते हैं। सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का सोरो कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं भी? हाँ, इस नदी के प्रभाव से फ्लड आ जाता है, कहां पे? बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है। अब देखो बिहार में बाढ़ क्यों आती है? मार्ग परिवर्तन क्यों करती है? ये नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब ये मार्ग परिवर्तन क्यों करती है, इसका रीजन क्या है बिहार के अंदर? ये नेपाल में क्यों नहीं करती? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वेरी गुड। देखो बिहार जो है वो मैदानी एरिया में आता है, प्लेन एरिया में आता है। जब ये नदी पर्वतों से निकल के आती है, महाभारत रेंज ये पर्वत श्रेणी है, पर्वतों से निकल के आती है तो पर्वतों से अपने साथ में ये सेडिमेंट लेके आती है, अवसाद लेके आती है, ठीक है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो इसका बहाव कम हो जाता है प्लेन एरिया के अंदर, ठीक है।
और सेडिमेंट का जमाव कर देती है कहां पे? बिहार में सेडिमेंट का जमाव कर देती है, तो इस वजह से इस नदी के अंदर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और ये जो नदी है ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, मार्ग परिवर्तन कर लेती है, ध्यान में रखना। और यदि बात करें तो यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग कॉस्ट, अधिकतम मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, कौन सी नदी है? कोसी, ठीक है। अच्छा पटना बता, यहां पे थोड़ा सा देखना भी, इसको पटना नहीं है, ये पटना नहीं है, ये स्थान है, पहले तो हुआ करता था पूर्णिया, ये पूर्णिया स्थान है बिहार के अंदर, पहले तो ये नदी पूर्णिया के अंदर जाके इसमें मिलती थी गंगा में, अब क्या है भी इसका मार्ग परिवर्तन हो गया और ये इसके पश्चिम साइड के अंदर एक स्थान आता है मरुधनी, मरुधनी इस स्थान पर जाके इस गंगा में मिलती है, यानी पहले ये पूर्णिया नामक स्थान पे इस गंगा में मिलती थी, वर्तमान के अंदर इस पूर्णिया से पश्चिमी साइड के अंदर स्थान है कौन सा? मरुधनी, वहां पर जाके ये गंगा में मिल जाती है। नदी कौन सी है? कोसी नदी, ठीक है। इसका जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बिहार में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए मैक्सिमम शिफ्टिंग कॉस्ट के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी। और इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, उतार लिया क्या इसको? आगे है महानंदा, महानंदा नदी, ये जो नदी है ये दार्जिलिंग जो क्षेत्र है या दार्जिलिंग हिमालय है वहां से इसका ओरिजिन होता है, दार्जिलिंग हिमालय से इसका ओरिजिन होता है और वेस्ट बंगाल में बहती हुई, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का भाग है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बहती है और इसके बाद में इस वेस्ट बंगाल के स्थान है फरक्का, फरक्का से थोड़ा पहले, फरक्का से थोड़ा सा पहले गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और ये महानंदा नदी जो है ये बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से अंतिम सहायक नदी है गंगा की, अंतिम सहायक नदी, ठीक है, गंगा की अंतिम सहायक नदी दार्जिलिंग हिमालय से इसका ओरिजिन होता है, वेस्ट बंगाल में इसका फ्लो है और फरक्का से थोड़ा सा पहले ये गंगा में मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में बहती है मुख्यतः, और बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम जो सहायक नदी है गंगा की वो कौन सी है? महानंदा, कौन सी है? महानंदा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? ये थी लेफ्ट साइड से यानी बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी, एक एक की चर्चा की अपने, आगे हेडिंग लगाओ दाएं तरफ से, क्या हो गया? टाइम हो गया,